खींचना शुरू हो चुका है, लेकिन लाइन भी बहुत ज्यादा है। इतने सुंदर सुंदर फूलों से सजाया गया है। ये रास्ता है बर्फ के चट्टानों से भरा हुआ, ये रास्ता है, आप इस पे चल के जाएंगे। आते जाते राउंड ट्रिप करते आते छोटे फिर जाते लेके आते। स्नो फॉल हुआ था बहुत ज्यादा। ये 2013 में जो आपदा आई थी उसमें ये पूरा खाई आ गया था। जय बाबा केदार। तो अभी मैं हूँ केदारनाथ धाम में और आज है 25 तारीख। आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, तो मैं खुद जा रही हूँ अभी बाबा के दर्शन करने के लिए और आप लोगों को भी दर्शन कराने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि मैं बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। और आप नज़ारा देख सकते हो मेरे पीछे कि इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है कि पूरा पहाड़ बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है। और इसीलिए केदारनाथ को स्वर्ग कहते हैं क्योंकि ये सच में स्वर्ग से कम नहीं है। अभी हम केदारनाथ मंदिर के थोड़े दूर हैं और यहाँ पर आपको रहने के लिए टेंट और हट मिलता है। ये सारे टेंट और हट जो हैं वो स्नो में हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर हुआ है स्नोफॉल। और देख सकते हो अभी स्नो पूरा निकालने का काम यहाँ पे चल रहा है। इतनी ज्यादा बर्फ, इतनी ज्यादा, यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा स्नो गिर गया है क्योंकि कल स्नो फॉल हुआ था बहुत ज्यादा। और ये जो पूरे आपको बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, ये पूरे पहाड़ स्नो से ढके हुए हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा नजारा है। यही है स्वर्ग, बाबा केदारनाथ इसीलिए बोलते हैं स्वर्ग का रास्ता, क्योंकि जब आप खुद आओगे तो फील करोगे कि ये स्वर्ग से कम नहीं है। ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा है तो आप हेलीकॉप्टर में भी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आ सकते हो। सुबह से लेके मैंने 10 से 15 तो है ये सुन ही लिया होगा, आते हैं जाते हैं राउंड ट्रिप करते आते छोड़ते फिर जाते लेके आते फिर छोड़ते, ऐसे चलते रहता है। तो ये जो आपको पूरा हट दिख रहा है ऐसा टाइप का टेंट वेंट लगा हुआ है, ये पूरा है बेस कैंप। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको हट मिलता है और ऐसा नॉर्मल टेंट भी मिलता है जिसमें आप रह सकते हैं। 2 किलोमीटर पहले से मैं चल चल के आ रही हूँ और पूरा रास्ता स्नो से भरा पड़ा हुआ, इधर पे पूरा स्नो है, इधर भी पूरा स्नो है, पूरी तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगा। और बीच में मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो बीच में खाई है, आप ये देख रहे हो, इस तरफ देख सकते हो, ये खाई जो आप देख रहे हो ये 2013 में जो आपदा आई थी उसमें ये पूरा खाई आ गया था, क्योंकि पहले जो केदारनाथ धाम का यात्रा था वो उसी तरह से आता था तो 16 किलोमीटर था। अभी जब से ये हुआ तो नया रूट बना है, अभी जो रास्ता है वो 25 किलोमीटर हो चुका है, क्योंकि आपको 16 किलोमीटर बोला जाता है बट एक्चुअल में उतना होता नहीं है। पहुंच चुके हैं, बस 500 मीटर दूर है, 500 मीटर पहले ही हेलीपैड पड़ता है जिसमें आपको हेलीकॉप्टर से जब आप आते हैं तो आपको ड्रॉप करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चल के आती है वो वहीं पे ड्रॉप करती है आपको, वो है हेलीपैड जो कि 500 मीटर दूरी पे है। तो ये आ रही है एक हेलीकॉप्टर जो कि अभी हेलीपैड में लैंड करेगी और जितने भी पैसेंजर्स आए होंगे उनको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगी। यहाँ से लाइन लगना शुरू हो चुकी है बाबा के दर्शन करने के लिए, यहाँ से अभी लाइन लगाना है और पूरी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। तो आधे घंटे से मैं लाइन में लगी थी लेकिन लाइन बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो मैं आगे जा रही हूँ देखने के लिए कि एक्चुअल में कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितना टाइम लगेगा। सकते हो बाबा का जो मंदिर है वो वहाँ है और लाइन यहीं से शुरू हो गई है, देख के आते हैं। बर्फ यहाँ तक ऊपर तक भी है। यहाँ पे प्रसाद मिलता है, आदि योगी में भी और भी बहुत सारा सामान मिलता है। ये स्टे करने के लिए रुकने के लिए है, इधर बर्फ है, लाइन बहुत लंबी है। जय बाबा केदार। मंदिर दिखना शुरू हो चुका है लेकिन लाइन भी बहुत ज्यादा है, पूरा लाइन लगा हुआ है। ये है बाबा केदारनाथ का धाम और ये है लाइन जो यहाँ से शुरू होके पूरी लास्ट आखिरी तक गई है। इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, लोग यहाँ पे सुबह 4 बजे से लाइन लगा के रखे हुए हैं और दर्शन अभी 12 बजे तक भी नहीं हुआ है। भोले बाबा की कृपा से फाइनली मैं भोले बाबा के दरबार में पहुंच चुकी हूँ, केदारनाथ धाम। और आज ही 25 तारीख को केदारनाथ धाम का कपाट खुला है 6 महीने के लिए, तो आप 6 महीने तक आके बाबा के दर्शन कर सकते हैं। मैं खुद को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतना कठिन तपस्या के बाद 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद यहाँ पे आके मुझे फाइनली बाबा के दर्शन हुए। यहाँ पे घंटी बजाते हैं, फूलों से सजाया गया, पूरे फूल लगाए गए हैं और आज ही बाबा केदार का जय श्री केदार। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है।
पूरा बर्फ के बीच में, पूरे साइड आप देखोगे तो आपको बर्फ ही बर्फ दिखेंगे, पूरे बर्फ के बीचों बीच में बाबा का धाम केदारनाथ धाम। जय श्री केदार। भीड़ आप देख सकते हो, सांस लेने तक की जगह नहीं है। दर्शन की जो लाइन लगी हुई है उसमें आज की डेट में दर्शन किसी के नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी लाइन है, इतने लोग यहाँ आए हुए हैं। मतलब शांति आपको इतनी ज्यादा अच्छी लगेगी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो भी रहा है, देख सकते हो, और मौसम भी बदल रहा है, हो सकता है बारिश हो जाए। लाइन आप देख रहे हो, ये श्रद्धालु की लाइन, सुबह 4 बजे से लोगों ने यहाँ पे लाइन लगा के रखी है दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हो पाए हैं। ये है बाबा का मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इतने सुंदर सुंदर फूलों से सजाया गया है, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब यहाँ मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं, कोई दर्शन के लिए लाइन लगाए हैं, तो कोई फोटो खींच रहे हैं, वीडियो खींच रहे हैं। जिनके दर्शन हो गए वो यहाँ पे अभी बैठे भी हुए हैं। यहाँ से मेन गेट है मंदिर में एंट्री करने के लिए, यहीं से आप अंदर जाएंगे, देख सकते हो कितना भीड़ है, कितना भक्ति में माहौल हो चुका है, भोले का जयकारा लग रहा है। जा रही है दर्शन करने के लिए, पूरा मंदिर को जो है ना वो फूलों से सजाए हैं, और इस तरफ विशेष पूजा कार्यालय है। बर्फों के बीचों बीच देख सकते हो भगवान जी की मूर्ति है, जय भगवान जी। यहाँ पे भी पूरा सजाया गया है, जिस रास्ते से आप आएंगे वो पूरा सजाया हुआ है। ये मंदिर है और यहाँ पे बर्फ, मंदिर के बाजू में भी आपको बर्फ देखने को मिल जाएगा। तो मंदिर के जस्ट बाजू में ही, मंदिर के जस्ट पीछे ही एक बहुत बड़ा सा पत्थर है भीम शिला, जिसके भी दर्शन करना बहुत जरूरी है। ये है मंदिर और मंदिर के जस्ट पीछे है ये एक बहुत बड़ा सा पत्थर जो कि है भीम शिला, ये देख सकते हो, और इसकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि जब 2013 में आपदा आई थी तो ये पत्थर जो है ये मंदिर के पीछे आ गया था, जिसकी वजह से पानी का जो फ्लो है वो दो डायरेक्शन में बट गया था, और जिसकी वजह से मंदिर को कुछ नहीं हुआ था, बाकी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था, जिसके बाद से इस पत्थर की भी पूजा की जाती है। इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा अच्छा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पूरे तरफ आप जहाँ तक देखोगे आपको वहाँ पे पूरा स्नोफॉल ही नज़र आएगा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, पूरा स्नोफॉल। ये मंदिर के जस्ट पीछे का एरिया है, पूरा स्नोफॉल है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है मंदिर के सामने, किसी किसी ने अपना कैंप यहाँ पे भी लगाया हुआ है। तो बाबा के दर्शन करने के बाद ये रास्ता है, बर्फ के चट्टानों से भरा हुआ ये रास्ता है, आप इस पे चल के जाएंगे तो वो ऊपर आपको जो दिख रहे हैं ये है भैरव बाबा। तो आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सो बाबा का दर्शन हो चुका है कम्प्लीट, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा समय लग गया दर्शन करने में। तो अभी जो है यहाँ का मौसम वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ठंड पड़ रही है और बर्फबारी हो रही है, तो इसकी वजह से जल्दी निकलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं पहुंच जाऊँ। और वैसे भी 20 से 25 किलोमीटर है रास्ता, तो उसको पूरा कंप्लीट करना है, तो अभी चल के जा रही हूँ। वैसे यात्रा बहुत अच्छी रही, बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे लगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। हर हर महादेव।